हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो थे आपके बबरुद्दीन तैयब जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का थर्ड सेशन मद्रास में हुआ था 1887 में, उसमें प्रिसाइड किए थे। सेकेंड फैक्ट है कि फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट जो थे आपके, वो थे आपके जॉर्ज यूले, एंड ये आपके फोर्थ सेशन यानी कि अलाहाबाद का जो 1888 वाला सेशन था उसमें प्रिसाइड किए थे। उसके बाद फिर आपके जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ना, वो थी आपकी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कैलकाटा वाले सेशन में प्रिसाइड की थी। ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आपकी सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर वाले सेशन में प्रिसाइड की थी। ओके, उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं गांधी जी का, तो गांधी जी जो है वो सिर्फ एक सेशन में प्रेसिडेंट बने थे, और वो था आपका बेलगांव वाला सेशन जो कि 1925 में हुआ था। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो आपके यंगेस्ट एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ना, वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, मैं रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को कि जो आपके यंगेस्ट और तो और लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी कि ये पूरे 6 ईयर्स 1940 to 1946 तक जो प्रिसाइड किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जेबी कृपलानी। ओके, उसके बाद फिर एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि प्रिजन से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किए थे, वो थे आपके सीआर दास इन द ईयर 1921। ओके, और वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि गांधी जी ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1934 में ही रिजाइन कर दिया था। ओके, तो ये इतने फैक्ट्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ये आपके स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली या फिर यूपीएससी में एज ए स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो आप इन सारी चीज़ों को याद कर लेना। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।